देखो वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं, कैप्टन वाइस कैप्टन की एक से ज़्यादा ऑप्शन है, टॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉस का मायने मतलब कौन सी टीम पहले बैटिंग कर रही है, कौन सी बॉलिंग कर रही है। इंग्लैंड बैटिंग कर रही है तो फिर वही 150 160 के आसपास का टोटल देखने के लिए मिलेगा। वेस्ट इंडीज़ पहले की बैटिंग कर रही है तो वही 120 125 का टोटल देखने के लिए मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नंबर वन। और कैप्टन वाइस कैप्टन मैं रिकमेंड कर रहा हूँ अपने चुनना, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन से कैप्टन वाइस कैप्टन की, कैप्टन आपकी फेल हुई तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जिम्मेदारी खुद की बनती है उस केस में कि आपकी कैप्टन फेल हुई, फिर लॉस और प्रॉफिट के लिए फिर उस केस में आप ही जिम्मेदार हो। हालांकि जो मुझे बेस्ट प्रॉफिट लगा, जो मुझे बेस्ट ऑप्शन लगे हैं, मैं थोड़ा सा मेगा कॉन्टेस्ट के हिसाब से जा रहा हूँ, क्योंकि मैं हेड टू हेड के हिसाब से नहीं जा रहा। पिछले मैच में हमारी बहुत अच्छी टीम रही थी, 11 में से 9 प्लेयर हमारे परफेक्ट थे, आई थिंक 10 थे पर जो भी थे, लेकिन सिर्फ हमारी कैप्टन अच्छी नहीं थी, तो कैप्टन नहीं चल पाई थी इसलिए हम नहीं जीत पाए। अदरवाइज वो मैच जो है वो मैं क्लियर करूँ, हेड टू हेड में तो हम जीत गए, लेकिन मेगा कॉन्टेस्ट जहाँ पे हम 10 लोगों के साथ खेल रहे हैं या फिर 15 लोगों के साथ खेल रहे हैं, मतलब पूरी टीम परफेक्ट थी यार, फिर भी वहाँ पे आपकी रैंक शायद फर्स्ट ना आई हो या शायद ही फर्स्ट आई हो, सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसी रैंक आई थी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन अपने रहना। चलो वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। एक मैच हो चुका है, 163 पे 8 बनाए थे इंग्लैंड वो मैच ने पहले मैच में, ओके ठीक है। और एक्सपेक्टेशन भी कुछ कुछ ऐसी थी, टैमी बॉम्बर और डैनियल वर्ट इन दोनों ने ओपन किया था, हालांकि तीन ऑप्शन थे मैंने क्लियर कर दिया था, एमी जॉन्स, टैमी बॉम्बर और डैनियल वर्ट, इन तीन में से कोई दो ओपनिंग करेगा, दूसरा मिडिल ऑर्डर में खेलेगी, तीसरी मिडिल ऑर्डर में खेलेगी, वही हुआ, विकेट कीपर एमी जॉन्स विकेट मिडिल ऑर्डर में खेली, ओके चलो। हुआ क्या, दोनों ओपनर चल गई आपकी, चल गई थोड़ी बहुत चली डैनियल वर्ट पर, चल तो गई। टैमी बॉम्बर इंपॉर्टेंट है, डैनियल वर्ट इंपॉर्टेंट है, डाली इंपॉर्टेंट है, एदर नाइट इंपॉर्टेंट है, एलन एमी जॉन्स इंपॉर्टेंट है, कैथरीन बर्न इंपॉर्टेंट है, नीचे सोफिया एक्लिस्टोन इंपॉर्टेंट है, एना शॉपस्टॉल इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलेंगे मैंने तो पूरी टीम बोल डाली, जी हाँ गाइज मैंने पूरी टीम बोल डाली है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पहले बैटिंग हो रही है इंग्लैंड की तो कोशिश करो ये जो ऊपर के छः हैं इन छः में से कम चार आपकी टीम में होने चाहिए, जिसमें से परमानेंट बता दूँ मैं कौन से, नैटाली स्कार्वर परमानेंट है और कैथरीन बॉन्ड, ये दो परमानेंट है, बाकी फिर आपके ऊपर डिपेंड करेगा किसको आप अपनी टीम में पिक करना चाहते हो। ऑप्शन सबसे बेस्ट मैंने दो बता दिया, इन दो को परमानेंट रखना, नैटालिया कैथरीन बॉन्ड को परमानेंट रखना, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करेगा। टॉस बैटिंग कौन कर रहा है पहले, चेस कौन कर रहा है, उससे पूरी टीम चेंज हो जाएगी। वेस्ट इंडीज़ की टीम तब चले तो हैली मैथ्यूज नंबर वन इंपॉर्टेंट, दो विकेट निकाल के लाई, ये मैंने आपको पहले भी किया था पिछले मैच में, वाइस कैप्टन थी हमारी स्टेफिनी टेलर, दो विकेट निकाल के लाई ये भी। उसके बाद नीचे से गाइस यहाँ पे शकीरा सलेमान को डेथ ओवर में पिछले मैच में तीन विकेट मिल गई थी, लेकिन इस मैच में क्लियर कर दूँ मैं एक बार फिर से एफी फ्लेचर के पास ही जाऊँगा, क्योंकि बेहतर ऑप्शन क्या है, बेहतर ऑप्शन इन तीन, ये तीन बॉलर हैं यहाँ पे, एनआईएल को तो हटा देता हूँ, लेकिन इन तीन बॉलर एफी फ्लेचर, शमीला कॉलन और शकीरा सलेमान, इन तीन में से जो दो बेस्ट हैं वो एफी फ्लेचर और शमीला कॉलन ही है। मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप वेस्ट इंडीज़ की जो बॉलर चाह रहे हैं तो बेस्ट ऑप्शन, अगर आप देखना चाहते हैं तो यही दो वो बेस्ट ऑप्शन है। डीएनडर डॉटिन के लिए यार पिछले मैच में बहुत कम लोगों ने छाटा था, मैंने साफ कह दिया था यार लोगों को शायद ये अंदाजा नहीं है डॉटिन क्या करती है, लेकिन इस मैच में डॉटिन को मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं, अपनी टीम में पिक नहीं कर रहा हूं, ओके। हालांकि अगर वेस्ट इंडीज की टीम पहले बैटिंग करेगी ना तो उस केस में मैं इसको अपनी टीम में देखना चाहूंगा, ठीक है। ड्रीम इलेवन की टीम के ऊपर आता हूं, ठीक, कौन सा मैच है ये भी समझा लीजिए, सेकंड टी20 है, ठीक है, कहीं फर्स्ट ये मत समझना कि फर्स्ट टी20 की वीडियो देख रहे हो, नहीं। विकेट कीपर मैंने एलन एमी जॉन्स को रखा है और मैंने एक ही टीम इस हिसाब से बनाई कि इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग कर रही है, अगर वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग कर रही होगी टॉस के बाद देख लेना, फाइनल अपडेट मैं टेलीग्राम पर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में है, जैसे ही टॉस हो जाता है वैसे ही पता चल जाएगा। तो अगर वेस्ट इंडीज़ आपकी पहले बैटिंग कर रही है तो आपकी टीम चेंज हो जाएगी, लगभग पूरी टीम चेंज हो जाएगी, ठीक है, प्लेयर वही रहेंगे लेकिन उनका रोल चेंज हो जाएगा। एमी जॉन्स को मैंने विकेट कीपर लिया है, एक बार ध्यान रखें पिछले मैच में हमने लिया था शमीला कैंपबेल को, लेकिन ये रनों में कुछ नहीं कर पाई, जो इसके पॉइंट है विकेट कीपिंग के पॉइंट है, इसे स्टंपिंग और कैचिंग के पॉइंट मिले हैं विकेट की पीछे, तो ये बात ध्यान रखना, एज ए बैट्समैन मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। नीचे आता हूँ, हैदर नाइट इंपॉर्टेंट है पर देखो यार हर सीजन नहीं ले सकते, डीएनडर डॉट इंपॉर्टेंट है पर इस मैच में मैं जस्ट गैम्बल ले रहा हूँ, और ये टीम उसी हिसाब से बनी है अगर वेस्ट इंडीज़ चेस कर रही है इंग्लैंड बैटिंग कर रही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को, अगर वेस्ट इंडीज़ बैटिंग कर रही है तो ये टीम बिल्कुल, अगर वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग कर रही है तो ये टीम बिल्कुल काम नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं। डैनियल वेट का यहाँ पे डैनियल वेट को रखा है, एक ओपनर सेकंड ओपनर टैमी बॉम्बर दोनों को रखा है मैंने, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप दोनों को लेना चाहते तो लीजिए, वरना किसी एक को ड्रॉप करके आप यहाँ से हैदर नाइट के साथ भी जा सकते हैं, फैसला आपके ऊपर होगा, मैंने फिलहाल दोनों ओपनर अपनी टीम में रखी है। उसके बाद ब्रिटनी कूपर को ले रहा हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है ब्रिटनी कूपर के साथ जाना चाहते हो कि डैनियल डॉटिन के साथ, क्रेडिट की दिक्कत नहीं है पर मैं ब्रिटनी कूपर को देख रहा हूँ इस मैच में, मुझे मिडिल ऑर्डर चाहिए, टॉप ऑर्डर नहीं चाहिए, क्योंकि सफीना टेलर को मैंने रखा है, एली मैथ्यूज को रखा है और डैनियल डॉटिन, ये तीनों के तीनों टॉप थ्री में खेलती हूँ, मुझे पूरा का पूरा वेस्ट इंडीज़ का टॉप ऑर्डर नहीं चाहिए, मुझे मिडिल ऑर्डर चाहिए, मिडिल ऑर्डर में कोई नहीं है वेस्ट इंडीज़ के। यहाँ से देखो तो कैथरीन बॉन्ड को मैंने रखा है और नैटाली स्कार्वर, मैं बोल रहा हूँ ये थोड़ी मेगा कॉन्टेस्ट के हिसाब से बनी टीम है, ये स्मॉल लीग के हिसाब से नहीं है, स्मॉल लीग के सबसे बेस्ट ऑप्शन एक ही है, नैटाली स्कार्वर सबसे बेस्ट ऑप्शन, और देख सकते हो 40% की कैप्टन है, समझ जाओ ये चीज़ देख करके, ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगा स्मॉल लीग में तो आप इसी को बनाओ, हेड टू हेड बना रहे हो तो फिर इसको बनाओ, ठीक है, वो भी उस केस में सिर्फ अगर इंग्लैंड बैटिंग कर रही है तो नैटाली स्कार्वर को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, चेज कर रही है उस केस में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। नीचे आते हैं,
सोफिया एग्लिस्टन को रखा है, बिल्कुल रखना है। एना शुभ पिछले मैच में नहीं चली थी यार, पर इस खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप जिताया था इंग्लैंड को, 6 विकेट ली थी फाइनल में इंडिया के अगेंस्ट। तो यार कैसे कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, मैं नहीं करूंगा ड्रॉप। एफी फ्लेचर को मैं बिल्कुल रखूंगा। लोगों को अब कहाँ पता है कहाँ भागेंगे लोग, भागेंगे आपकी वेस्ट इंडीज की इस गेंदबाज शकीरा सलेमान। ये देख लो 74%, पहले मैच में 20% के आसपास था। पर ये गलती मत किया करो यार, जो एक चल रही है उसके पीछे पीछे मत भागो, जो बेहतर है वो भी देखो। एफी फ्लेचर बेहतर है, बेहतर मैंने एफी फ्लेचर को रखा। टीम का प्रीव्यू देखो, ठीक है, ये रखा इस मेरी टीम का प्रीव्यू। ठीक है, आपके ऊपर चेंजेस के ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ ये टीम तभी काम करेगी अगर आपकी इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है। तो देखिए 4 ही खिलाड़ी लिए हैं मैंने वेस्ट इंडीज़ से, अगर वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग कर रही है तो मुझे वेस्ट इंडीज़ का स्क्वाड बढ़ाना पड़ेगा, मिनिमम एक बैट्समैन और होनी चाहिए वेस्ट इंडीज़ से। ओके, उस केस में मैं विकेट कीपर ले सकता हूँ या किसी को ले सकता हूँ। चलो कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन छोड़ दूँ, अगर पहले बैटिंग हो रही है इंग्लैंड की तो भी नटालिया स्कारवर नंबर वन। ओके, नंबर वन नटालिया स्कारवर ही है, मैं यहाँ पे कैथरीन बट बनाई है, पर मैं थोड़ा मेगा लेक के हिसाब से देख रहा हूँ, अदरवाइज मैं नटालिया स्कारवर को ही बनाना आपको, मैं वही यही बोल रहा हूँ बार बार। फाइनल टीम टॉस के बाद टीम टेलीग्राम में लिंक डिस्क्रिप्शन, वरना टैमी बाउमेंट और डेनियल बॉट, ये दो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगी। नीचे से सोफिया एग्लिस्टन भी एक ऑप्शन रहेगी, मल्टीपल ऑप्शन है इंग्लैंड की टीम पर। और वेस्ट इंडीज से सिर्फ दो ऑप्शन है, हैली मैथ्यूज और स्टेफनी टेलर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में टेलीग्राम का लिंक है, फाइनल अपडेट टॉस के बाद की आपको वहीं मिलेगी। गुड बाय गाइस, बाय, टेक केयर।